किसी भी शहर में सारे लोगों के पास तो गाड़ियाँ होती हैं। हमें से कई लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑटो का यूज़ करते हैं, पर आप ऑटो में बैठे हो या ना बैठे हो, आपने उसमें एक बात तो गौर किया ही होगा कि उसमें तीन पहिए होते हैं, चार पहिए क्यों नहीं हो सकते। और अब सवाल ये आता है, इसमें भी तो टैक्सी की तरह चार पहिए लगाए जा सकते हैं, फिर इसमें तीन ही पहिए क्यों लगाए जाते हैं? तो आपको गजब की जानकारी देंगे, पर उसको जानने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑटो में तीन पहिए लगाने के सबसे मेन दो रीजन, पहला रीजन ये है कि ऑटो में तीन पहिए लगाने से उसके ढेर सारे पार्ट्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑटो रिक्शा का प्राइस कम हो जाता है और इसका मेंटेनेंस भी हो जाता है। दूसरा रीजन है, ऑटो रिक्शा चलता है शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में, पतली पतली गलियों में, और ऐसी जगह में रिक्शा को टर्न करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, इसीलिए सिर्फ ऑटो में तीन पहिए लगाए जाते हैं। रिक्शा के आगे एक ही पहिया लगाने से उसकी टर्निंग पॉइंट कम हो जाती है।